मेरे कारोबार पहले से मौजूद थे, सियासत में बाद में आया, एक दमड़ी की करप्शन दिखा दे सियासत छोड़ दूंगा। परवेज मुशर्रफ ने नैब बनाए ही मेरे लिए थी, जिसे अब नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। कल को ये एक और केस बना देंगे, जो करना है कर लें, लेकिन नवाज शरीफ नहीं झुकेगा। चौधरी शुगर मिल्स केस, नवाज शरीफ ने अदालत के रूबरू बयान दे दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च को सपोर्ट और धरने की पूरी तरह हिमायत करते हैं, नवाज शरीफ का वाज़े पैगाम एतराफ़ किया। फजल रहमान ने इलेक्शन के फौरी बाद इस्तीफों की तजवीज़ दी थी, समझता हूँ कि उस वक्त मौलाना की बात में वजन था। हमारे खिलाफ कार्रवाई वोट को इज्जत दो के नारे की वजह से हो रही है। शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है, कल इजलास बुलाया है। उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम लिख के हुसैन नवाज शरीफ को भेज दिया है और उसके बाद एक एक लंबे की गाइडेंस जो है वो हुसैन नवाज शरीफ खुद जो है टीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मौलाना के साथ वो रबते में रहेंगे और बताएंगे कि मेरे वालिद की क्या क्या अदायात थी। क्या मुस्लिम लीग नून में माइनस शहबाज शरीफ हो गया? कैप्टन सफदर कहते हैं नवाज शरीफ ने तमाम हिदायत लिखकर हुसैन नवाज को भेज दी है, अब लंदन से हुसैन नवाज पार्टी की रहनुमाई करेंगे। फजल रहमान से रबते में रहेंगे, ये भी कहा शहबाज शरीफ टाइम बॉम्ब है, वक्त आने पर वो भी चल पड़ेंगे। नवाज शरीफ के कहने पर कुएं में भी छलांग लगा देंगे। शहबाज शरीफ साहब के बगैर ये तहरीक जो है कामयाब नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब वो काबिल एहतराम भाई हैं जो नवाज शरीफ साहब के कहने पे कसम खुदा की कुएं में भी छलांग लगा सकते हैं। आप लोग शहबाज शरीफ साहब को अंडर एस्टिमेट ना करें, वक्त आने पे वो भी टाइम बम है, वो भी चल पड़ेंगे। आज़ादी मार्च से मुतालिक पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली पर गौर, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब मार्च के हवाले से इकदामात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे, मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर आज़म से मंजूरी हासिल करेंगे। सऊदी अरब ईरान कशीदगी कम कराने की पाकिस्तान की कोशिशें तेज, वज़ीर आज़म इमरान खान इतवार को ईरान का दौरा करेंगे, ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे, ईरान के बाद सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी क़यादत से ईरानी सदर से मुलाकात की पेशरफ्त पर बातचीत होगी। लोगों के हाथों के बनाए हुए हैंड नॉटेड, हैंड निटेड या हैंडमेड जो चीज़ें होती हैं वो वही हम उनको देते हैं। हमने ये भी बताना है कि पाकिस्तान तरक्की करते हुए कहां से कहां पहुंचा है। पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान की तरक्की की जो है अक्कासी करते हैं। और बरतानवी शाही जोड़ा पाकिस्तान का दौरा करने, लोगों से मिलने और इसकी खूबसूरत सकाफत का मुशाहिदा करने के लिए इंतहाई पुरजोश है। बरतानिया में पाकिस्तानी सफीर नफीस जकरिया कहते हैं शाही जोड़े की पाकिस्तान में मकबूलियत है, उन्हें हाथ से बने गिफ्ट्स दिए जाएंगे। मेरे कारोबार पहले से मौजूद थे, सियासत में बाद में आया, एक दमड़ी की करप्शन दिखा दे सियासत छोड़ दूंगा। परवेज मुशर्रफ ने नैब बनाए ही मेरे लिए थी, जिसे अब नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। कल को ये एक और केस बना देंगे, जो करना है कर लें, लेकिन नवाज शरीफ नहीं झुकेगा। चौधरी शुगर मिल्स केस, नवाज शरीफ ने अदालत के रूबरू बयान दे दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च को सपोर्ट और धरने की पूरी तरह हिमायत करते हैं, नवाज शरीफ का वाज़े पैगाम एतराफ़ किया। फजल रहमान ने इलेक्शन के फौरी बाद इस्तीफों की तजवीज़ दी थी, समझता हूँ कि उस वक्त मौलाना की बात में वजन था। हमारे खिलाफ कार्रवाई वोट को इज्जत दो के नारे की वजह से हो रही है। शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है, कल इजलास बुलाया है। उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम लिख के हुसैन नवाज शरीफ को भेज दिया है और उसके बाद एक एक लंबे की गाइडेंस जो है वो हुसैन नवाज शरीफ खुद जो है टीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मौलाना के साथ वो रबते में रहेंगे और बताएंगे कि मेरे वालिद की क्या क्या अदायात थी।
क्या मुस्लिम लीग नून में माइनस शहबाज शरीफ हो गया? कैप्टन सफदर कहते हैं नवाज शरीफ ने तमाम हिदायत लिखकर हुसैन नवाज को भेज दी है। अब लंदन से हुसैन नवाज पार्टी की रहनुमाई करेंगे। फजल रहमान से राब्ते में रहेंगे, ये भी कहा शहबाज शरीफ टाइम बॉम्ब है, वक्त आने पर वो भी चल पड़ेंगे। नवाज शरीफ के कहने पर कुएं में भी छलांग लगा देंगे। शहबाज शरीफ साहब के बगैर ये तहरीक जो है कामयाब नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब वो काबिले एहतराम भाई हैं जो नवाज शरीफ साहब के कहने पे कसम खुदा की कुएं में भी छलांग लगा सकते हैं। आप लोग शहबाज शरीफ साहब को अंडर एस्टिमेट ना करें, वक्त आने पे वो भी टाइम बम है, वो भी चल पड़ेंगे। आज़ादी मार्च से मुतालिक पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब मार्च के हवाले से इकदामात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। मुख्तलिफ उमूर पर वज़ीर आज़म से मंजूरी हासिल करेंगे। सऊदी अरब ईरान कशीदगी कम कराने की पाकिस्तान की कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म इमरान खान इतवार को ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे। ईरान के बाद सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी क़यादत से ईरानी सदर से मुलाकात की पेशरफ्त पर बातचीत होगी। लोगों के हाथों के बनाए हुए हैंड नॉटेड, हैंड निटेड या हैंडमेड जो चीज़ें होती हैं वो वही हम उनको देते हैं। हमने ये भी बताना है कि पाकिस्तान तरक्की करते हुए कहां से कहां पहुंचा है। पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान की तरक्की की जो है अक्कासी करते हैं। और बरतानवी शाही जोड़ा पाकिस्तान का दौरा करने, लोगों से मिलने और इसकी खूबसूरत सकाफत का मुशाहिदा करने के लिए इंतहाई पुरजोश है। बरतानिया में पाकिस्तानी सफीर नफीस जकरिया कहते हैं शाही जोड़े की पाकिस्तान में मकबूलियत है, उन्हें हाथ से बने गिफ्ट्स दिए जाएंगे।